हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष प्रभात, जो कि एक डॉक्टर भी हैं पेशे से और लाइफ ट्रांसफार्मर भी हैं, और उनका कहना है ट्रांसफार्म योर लाइफ। तो आइए हम डॉक्टर पीयूष प्रभात सर से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि उनकी क्या ऐसी सुपर एंड मास्टर टेक्निक है जिससे वो हम लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हेलो सर, सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सबसे पहले तो ये बातें हैं कि जो भी लाइफ में हमारी एनर्जी है वो हमारे अंदर ही है, और लाइफ हम डिज़ाइन कर रहे हैं। व्हेन वी बिगिन टू शिफ्ट things in our mind, things begin to change in the life. जब हम mind में चीज़ों को चेंज करते हैं तो reality हमारी बदलने लगती है। अब यहाँ पर एक सोचने और समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से आप एक गार्डन को या फिर एक ज़मीन को, उसमें आप कोई बीज ना डालो और उसके पास अगर उर्वरा शक्ति मौजूद है तो क्या होगा, वो एक जंगल में तब्दील हो जाएगी। वही हमारा माइंड है। जब हम अपने माइंड के पावर्स का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा माइंड एक जंगल क्रिएट कर देता है। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारे पास बीमारियाँ आ जाती हैं, बेरोज़गारी आ जाती है, हमारे पास तनाव आ जाता है, रिश्तों में एक खटास आ जाती है, और जो रिजल्ट्स हमें चाहिए, मतलब सफलता, पैसे, साहस, प्रोत्साहन, वो चीज़ें हमारे पास नहीं मिल पाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप अपने माइंड को साधना शुरू करें, आप अपने माइंड के मास्टर बनना शुरू करें, एंड देन यू क्रिएट व्हाट यू वांट। अच्छा सर, एक बहुत अनोखी चीज़, मतलब दो चीज़ें लाइफ में, एक तो हेल्थ की चीज़ें और दूसरा जो अभी आता है कैरियर और मनी मेकिंग, इनसे आजकल का युवा बहुत एकदम जूझ रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैरियर हो या मनी मेकिंग हो, इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, दो चीज़ें लाइफ में होती हैं, पैसा या करियर। या तो आप इसके पीछे भागते हैं या फिर ये आपके पीछे भागता है। दोनों में बीच का रिलेशनशिप, दोस्ती की रिलेशनशिप नहीं हो सकती। अगर आप कमज़ोर हैं तो मनी या करियर, इट बिकम्स योर गॉड, आप हमेशा उसकी प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप पे काम करते हैं, अपने स्किल्स को इस तरह से डेवलप करें, अपने माइंड पावर को डेवलप करें और उसके थ्रू अपने करियर को एक नई ऊंचाई देते हैं, देन इट बिकम्स योर डॉग, मतलब कि ये आपको फॉलो करता रहता है। सो द थिंग इज़ टू समराइज इज कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें और माइंड पावर का यूज़ करके उन चीज़ों को चेंज करें। अच्छा सर, एक मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोग ऐसे भी हैं लाइफ में जो मतलब जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली हुई है और जॉब कर रहे हैं, बट उन्हें जॉब करते ये समझ में आता है कि उन्हें यार रेडियो जॉकी बनना चाहिए या उन्हें कुछ अलग प्रोफेशन में जाना चाहिए, बट वो अपने जॉब में इस तरह से स्टक हो चुके हैं कि अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, और फिर उस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अपने जॉब में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। उनके लिए आप कैसे उनका लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, एक जेन मास्टर ने कहा था कि हम काम करते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ हम काम नहीं करना चाहते, हम वो काम करते हैं जो काम हम करना नहीं चाहते, उस जगह पे रहते हैं जहाँ हम रहना नहीं चाहते, और यही हमारे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कॉज है। अगर आप अपनी शक्तियों पर यकीन करना एक बार शुरू करें तो आपका डर बिल्कुल गायब हो जाएगा, और जब आप एक बार अपने आप पर फोकस करना सीख जाएँ, अपने माइंड पर फोकस करना सीख जाएँ, उसके बाद दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप अचीव नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत है तो थोड़े स्ट्रेटजी की, ज़रूरत है तो थोड़े से करेज की। एक बात याद रखना, अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो हर चीज़ के लिए आप हमेशा गिरते ही रहेंगे। मैं चाहूँगा सर आप हमारे व्यूअर्स को एक बात और बताएं कि कैसे वो ऑल टाइम मतलब 24/7 अपने एनर्जी को मेंटेन कैसे रखें। एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको एक पैशन चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आप जीवन में किस चीज़ के लिए खड़े हो। जीवन में अगर आप पैसा सिर्फ आपको मोटिवेट करता है या सिर्फ सफलता आपको मोटिवेट करती है तो लंबे समय तक लास्टिंग नहीं है। आपको किसी न किसी कॉज के लिए स्टैंड करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा के लिए स्टैंड किया, मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने इक्वल राइट्स फॉर द ब्लैक पीपल्स, उनके लिए अपने आप को खड़ा किया। उसी तरह से आपको ये सोचना है कि आप ज़िंदगी में क्या दे सकते हो दूसरों को, और उसके सहारे आप किस तरह से अपने आप को दे सकते हो, मतलब जो आपका पैशन है, एंड नेक्स्ट पी दैट स्टैंड्स फॉर योर पर्पस। जब आप इन चीज़ों को एक बार अलाइन करना शुरू करते हो तो आप देखोगे आपके अंदर सुबह सुबह एक एनर्जी होगी, आप बेड से बार बार उतरना चाहोगे और उस स्थिति में आप जो चाहो वो कर सकते हो। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें, बातें करना चाहें, तो क्या आपने फेसबुक का या यूट्यूब का कुछ ऐसा माध्यम बना रखा है जिससे आपको लोग मैसेज कर सके, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर पीयूष प्रभात के नाम से अवेलेबल हूँ, जिसका कि लिंक यहाँ पे फ्लैश कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो ऑन दिस नंबर 9871749568, जो कि व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, एंड
आई एम रियली आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सारे जवाब को पढ़ूँगा, सारे सवाल को पढ़ूँगा और उस पर काम करके वीडियो बना के या फिर आपको मेल के सहारे आपको हेल्प करूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।